नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे LM2599 आईसी जो कि एक 7 पिन की स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो एक रेगुलेटर आईसी है, ये एडजस्टेबल रेगुलेटर आईसी होती है जिससे हम वोल्ट को एडजस्ट करके आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसका नंबर जो आता है LM2599 होता है और ये 7 पिन की आईसी होती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पेन डिटेल किस तरह होगी, ये सर्किट के अंदर लग के किस तरह वोल्ट इनपुट और किस तरह वोल्ट आउटपुट करेगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं, LM2599 स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, LM2599। तो बेसिकली जो आईसी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, वो आपको इसी तरह मिलेगी। ये एक पेस्टेबल आईसी होती है जिसको आप सर्किट के साथ पेस्ट करके यूज करते हैं। ये इसका प्रयोग ज्यादातर जो हमारे मॉड्यूल आते हैं, स्टेप डाउन मॉड्यूल आते हैं, उसके अंदर इस आईसी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसकी आउटपुट कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है, वोल्ट को रेगुलेटर रखने में ये कारगर होती है और जल्दी सी गर्म नहीं होती। और इसकी एम्पेयर कैपेसिटी बढ़िया होती है और आउटपुट के लिए ये एम्पेयर रेगुलर देती रहती है, कोई ड्रॉप आउट नहीं होता। तो ये जो 7 पिन की आईसी LM2599, इसकी सबसे पहले पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सामने इसकी पिन डिटेल बनी हुई है LM2599 की। तो जिस तरफ ये डॉट लगा होता है वो नंबर पिन नंबर एक होती है। तो इसकी पिन नंबर जो एक है वो वोल्ट इनपुट की पिन है, यानी जो डीसी सप्लाई हुई है, एक्चुअली डीसी टू डीसी रेगुलेटर आईसी होता है जो कि स्टेप डाउन का काम करता है। मीन्स आप इसे इनपुट देके और जो इनपुट आप सप्लाई दोगे उससे आप जितने मर्जी इसको डाउन करवा सकते हैं वोल्टेज को। तो ये एक स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी है। तो इसकी पिन नंबर जो एक है वो इनपुट की है, यानी डीसी सप्लाई इनपुट की पिन है। पिन नंबर दो जो है इसकी आउटपुट है। पिन नंबर तीन जो फ्लैग की पिन है। पिन नंबर चार ग्राउंड। पिन नंबर पांच डिले सिस्टम की। पिन नंबर छह फीडबैक की। पिन नंबर सात एसडी और एसएस की। एसडी मीन होता है शटडाउन, एसएस सॉफ्ट स्टार्ट। यानी पिन नंबर सात ये दो फंक्शन के लिए काम में ली जाती है, एक होती है शटडाउन के लिए और एक सॉफ्ट स्टार्ट के लिए। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल जो कि 7 पिन की होगी। अब बात करेंगे इसकी कुछ वर्किंग या इंटरनल सर्किट के बारे में। तो जो इसका इंटरनल सर्किट आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक जो पिन नंबर जो शटडाउन और यानी एसडी और एसएस की पिन होती है, वो होती है सॉफ्ट स्टार्ट की पिन या शटडाउन की, यानी एरर एम्पलीफाई सिस्टम की पिन, जो कि एरर एम्पलीफाई सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। और पिन नंबर जो फ्लैग एरर की पिन होती है, ये फ्लैग जो है ये एरर की पिन है, यानी कोई भी फीडबैक का अगर एरर होगा, अगर उसमें कोई दिक्कत है, एम्पेयर कम है या कोई शॉर्ट सर्किट है, तो फ्लैग की पिन पे सिग्नल दिया जाएगा जिससे ये फ्लैग डिले सिस्टम को ऑफ सर्किट के अंदर कन्वर्ट करेगी, जिससे आउटपुट ऑफ हो जाएगा। डिले टाइम के लिए यूज किया गया डिले सिस्टम, जो फ्लैग डिले सिस्टम होता है वो उसको एक्सेस करता है, इसको एक पीएफ के द्वारा ग्राउंड कर दिया जाता है जिससे ये आउटपुट आसानी से चलाता रहता है। और इसके अंदर जो लगा हुआ है कौन कौन से, एक तो है 1.23 वोल्ट का रेगुलेटर, रिफरेंस वोल्ट सॉरी, और एक 2.5 वोल्ट का रेगुलेटर सिस्टम लगा हुआ है, यानी कम से कम यह 2.5 वोल्ट रेगुलेटर के रूप में आउटपुट दे सकता है। और एक है हमारी फीडबैक की पिन। जो फीडबैक की पिन होती है वो हमारे एरर एम्पलीफायर जो इंटरनल बना हुआ उसके साथ ही जुड़ी जाती है। वो एरर एम्पलीफायर जो कंपोजिशन की पिन होती है उसके साथ जुड़ा जाता है। उसके बाद ये लैच सिस्टम, लैच सिस्टम के बाद आता है ड्राइवर सिस्टम के पास ये पूरा सिग्नल, जिससे ये तीन जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ये स्विचिंग का काम करके हमारे जो है आउटपुट के रूम में आउट करते हैं वोल्ट। और जो वो ये है वोल्ट इनपुट की पिन है, इसके ऊपर आप 5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट की सप्लाई आप इसे दे सकते हैं। और जो हमारा है GND की पिन, ये इंटरनल तौर पे ग्राउंड होती है। तो ये है इसके अंदर कुछ फंक्शन बने हुए। और ये इसके अंदर जो ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी है, ये 150 किलो हर्ज की ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकता है। ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी होगी वो 150 किलो हर्ज की होगी। तो ये है इसके अंदर इंटरनल सर्किट बने हुए।
और अब बात करेंगे कुछ इसके फीचर के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से फीचर है, किस तरह ये काम करती है। तो सबसे पहले जो ये स्टेप डाउन आईसी है, ये 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट को एडजस्टेबल करके आउटपुट दे सकती है। यानी आप इस आईसी के द्वारा 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेसी के हिसाब से फिक्स करके आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। जो इसकी आउटपुट रेंज है कम से कम 1.2 वोल्ट है और ज्यादा से ज्यादा 37 वोल्ट है। यानी इसके अंदर आप 4% अप और डाउन करवा सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 एम्पेयर का करंट पास आउट कर सकता है रेगुलर। और ये जो कि ये 7 पिन के अंदर आता है और इसे 2 220 और 2 263 के पैकेज के अंदर काउंट किया जाता है। और इनपुट की जो वोल्टेज रेंज है, यानी इनपुट जो सप्लाई इसके अंदर 40 वोल्ट की होती है और 150 किलोहर्ट्ज़ का ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकता है। इंटरनल ओसिलेटर सिस्टम लगाता है। शटडाउन और सॉफ्ट स्टार्ट इसके अंदर इंटरनल तौर पर बनाया गया है। आउट ऑफ रेगुलेटर जो एरर सिस्टम होता है, फ्लैग सिस्टम एरर, वो इसके अंदर इंटरनल तौर पर दिया गया है। एरर आउटपुट डिले सिस्टम भी दिया गया है इसके अंदर। लो पावर स्टैंड बाय मोड इसके अंदर बना हुआ है, जिसे हम IQ के नाम से जानते हैं। हाई एफिशिएंसी के साथ ये काम करता है, यानी पूरी स्पीड के साथ काम करेगा। जो इनपुट वोल्ट होगा उसी हिसाब से वो क्विकली ही आउटपुट वोल्ट देगा। तो ये है इसके कुछ फीचर। इसके अंदर थर्मल शटडाउन और करंट लिमिट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर इंटरनल तौर पर बनाई गई, यानी ओवर हीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। और अगर करंट के अंदर कोई भी दिक्कत होती है आउटपुट के अंदर, तो उसके आधार पे ये उसको प्रोटेक्ट करके आउटपुट को बंद कर सकता है। तो ये इस आईसी को कुछ फीचर हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्विकली काम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो अब बात करेंगे इस आईसी को आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कहाँ किस किस जगह पर इस आईसी को लगाया जा सकता है। तो सिंपल हाई एफिशिएंसी स्टेप डाउन बक जो रेगुलेटर आता है, जिसे हम रेगुलेटर बोलते हैं, जो कि मॉड्यूल आते हैं, हमारे रेगुलेटर मॉड्यूल आते हैं, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। और ये लीनियर रेगुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये स्विचिंग रेगुलेटर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी हाई रेगुलेटर सिस्टम के रूप में यूज़ किया जाता है, जिससे आउटपुट जो होगा इसका फिक्स हो जाएगा और प्रॉपरली वो आउटपुट देता रहेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी सप्लाई को ये कन्वर्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप नेगेटिव भी सप्लाई कन्वर्ट करवा सकते हो और पॉजिटिव सप्लाई भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो अब बात करेंगे इस सर्किट को किस जगह पर लगा के या किस तरह इसको लगा के कौन कौन सी पिन के ऊपर वोल्ट कौन कौन से दिए जाएंगे और किस तरह इसको यूज किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी इनपुट सप्लाई होती है, पिन नंबर जो 1 है, इसके ऊपर आप 12 वोल्ट दे सकते हैं, यानी 12 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट की आप सप्लाई से दे सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई है जो पिन नंबर 1 पे दी गई इनपुट के रूप में। और पिन नंबर जो इसकी 2 है, ये पिन नंबर 2 है इसकी आउटपुट की पिन है, तो इससे एक जीनर डायोड लगाया गया है 1N5824, ठीक है जी। और उसके बाद एक क्वाइल लगा के आउटपुट के रूप में हमने पॉजिटिव के 5 वोल्ट प्राप्त किए हैं, जो कि 3 एम्पीयर के अंदर थे। पिन नंबर जो 3 है, ये फ्लैग एरर की पिन होती है। इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर लगाकर या एक एरर एम्पलीफाई जो सिग्नल होता है वो इस पे दिया जाता है, या एक रजिस्टर लगा के जो हमारा फीडबैक सिग्नल आ रहा होता है उसके साथ भी इसको जोड़ा जाता है। फीडबैक के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि अगर आउटपुट के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो फीडबैक पिन नंबर 6 के माध्यम से पिन नंबर 3 के ऊपर सिग्नल दिया जाता है, जिससे हमारा आउटपुट ऑफ हो जाता है किसी भी शॉर्ट कंडीशन के अंदर। और जो पिन नंबर 4 होती है वो इसकी GND है, यानी ग्राउंड है, डायरेक्ट उसको ग्राउंड कर दिया गया है। पिन नंबर 5 जो डिले सिस्टम की पिन होती है, उसके ऊपर एक PF लगा के उसको भी ग्राउंड कर दिया गया है। पिन नंबर 7 जो हमारी है, ये SSD और SD की पिन है, जो कि एक PF लगा के ग्राउंड किया जाता है ताकि ये रेगुलर ऑन रहे। लेकिन इसके ऊपर शटडाउन और एरर सॉफ्ट सिस्टम सिग्नल जो है वो हम ऑटो कपलर के द्वारा या कोई एक जीनर डायोड लगा के इसको शटडाउन का सिग्नल भी हम दे सकते हैं। वो किस कंडीशन में, जब आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग हो, यानी इस जगह पे अगर कोई भी शॉर्टिंग हो आउटपुट के रूम में, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या ओवरवोल्ट हो या शॉर्ट वोल्ट हो या कोई हमारा कैपेसिटर खराब है, या जिससे हम जिसको ये सप्लाई दे रहे हैं अगर वो सर्किट कोई भी कंडीशन में खराब है या वो वोल्ट आउट नहीं कर रहा या वो शॉर्ट है, तो उसका एक जीनर या ऑटो कपलर लगा के हम शटडाउन के ऊपर सिग्नल
वापस दे सकते हैं, जिससे ये सॉफ्ट स्टार्ट और शट डाउन का सिग्नल एक्सेस करके आउटपुट को ऑफ कर सकता है या आउटपुट को स्टार्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली एक सर्किट जो बनाई गया है LM2599 में, ये एक स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी है, यानी जो आप इनपुट दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 40 वोल्ट का इसके इनपुट दे दिया है, तो 40 वोल्ट का आप 3.3 वोल्ट से लेकर और 35 वोल्ट तक आप इसे अप यानी इसको डाउन करवा सकते हैं। तो ये है एक LM2599 में जो कि 7 पिन की आईसी आती है, जिसे हम स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी के नाम से जानते हैं। तो इसको चेक करने का मेथड किस तरह होगा, इसको चेक किस तरह करेंगे, ये खराब है तो सही है, इसको चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। हमें इसके इंटरनल सर्किट के अंदर जाना पड़ेगा, ये देख सकते हैं इंटरनल सर्किट। तो इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले आपने इसको शॉर्ट के लिए चेक करना है। शॉर्ट के लिए चेक करने के लिए वोल्ट इनपुट की पिन और जो आउटपुट की पिन होती है, इसके ऊपर आप मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट करना है, मल्टीमीटर को बीप की रेंज के अंदर सेट करना है, और अमीटर और कलेक्टर यानी जो पिन नंबर वोल्ट इनपुट किया वो इसकी है कलेक्टर पिन, और जो आउटपुट पिन है वो अमीटर पिन है, इन दोनों का आप एज ए शॉर्ट चेक करेंगे। अगर इसके अंदर बीप की आवाज़ आ रही है या ये कोई वैल्यू शो नहीं करती किसी भी साइड, तो ये हमारा खराब है, बिल्कुल सिंपल सा है। इस के अंदर अमीटर कलेक्टर के अंदर बीप आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर बीप आ रही है तो ये आईसी खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इस आईसी को चेक करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।